लखीमपुर खीरी में दो दलित बच्चियों का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि बच्चियों को तीन युवक उसके घर से उठा ले गए थे। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी घटना स्थल पर पहुंच जांच की। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना इलाके में शरीर पर जाहिर तौर से कोई चोटें नहीं पड़ी हैं। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। परिवार वालों से अपील की जा रही, कुछ ऐसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा ही बयान लिखने को देंगे और आगे की भी कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसान दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा जिससे कि सभी चीजें साफ हो सके। शाम दो सगी दलित नाबालिग बहनों की संदिग्ध अवस्था में लाश एक ही पेड़ पर लटकी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवतियों की मां का आरोप है कि तीन युवक बाइक से आए और उसकी बेटियों को खींच ले गए थे। हमारी बेटिया हमारा दरवाजा स्नान करता बाबू जी ऐसे बार बांधे ऐसे बार में धोए रहन ऐसे बांधे रहन और धोती धोए कहीं ऐसे डालन और ये पहले तो गया काम के रोज आवे थे जाओ जाए जो कौन लोग थे कहाँ से थे ये लालपुर के रहे तीन ठोरम के रोज आवे थे उठा के लाए वहाँ से कितनी उम्र है लड़कियों की 15 साल की 17 साल। गुरुवार को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि आरोपियों ने बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद 6 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। नामजद छोटू सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने खुद घटना की जानकारी दी है और कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसे पूरे प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाएगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनके आने वाली पीढ़ी की रूह कांपेगी। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की है कि पीड़ित परिवार को हर स्थिति में संतुष्ट करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने कहा है ऐसे संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट UV इंडिया न्यूज़।